हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, MP हाई कोर्ट ने MPPSC की भर्ती की जो परीक्षा है उससे संबंधित दो मामलों में जो सामान्य प्रशासन विभाग है और MPPSC से जो है जवाब मांगा है। एक तो दोस्तों मामला है जो MPPSC के लिए, यदि आप MPPSC का फॉर्म भरना चाहते हो, तो एक स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये झारखंड के हैं, इनका नाम है आदिम खान, और इनकी ओर से दोस्तों जो अधिवक्ता थे निखिल भट्ट ने जो है कोर्ट को बताया कि MPPSC का यदि आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपका जो है जीवित रोजगार पंजीयन MP रोजगार कार्यालय में होना जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि रोजगार पंजीयन जो है उन्हीं स्टूडेंटों का वहाँ पर रजिस्टर हो रहा है जो MP के निवासी हैं। तो ये जो है एक टाइप से MPPSC ने मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से MP के ही लोगों को 100% जो है रिजर्वेशन दे दिया है। और इस पर दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने 8 मार्च तक MPPSC और सामान्य प्रशासन विभाग से जो है जवाब मांगा है। तो दोस्तों एक तो ये है रोजगार पंजीयन को लेकर, मतलब एक स्टूडेंट है झारखंड के, उन्होंने याचिका डाली है कि ये जो है एक टाइप से MP के ही लोगों को 100% रिजर्वेशन दे दिया है। तो इस पर MP हाई कोर्ट ने 8 मार्च तक MPPSC और सामान्य प्रशासन विभाग से जवाब मांगा है। दूसरा दोस्तों ये है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, MP हाई कोर्ट ने कहा है जब नियम है कि भूतपूर्व सैनिकों को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा तो आप जो है पालन क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों ये 2019 की भर्ती परीक्षा को लेकर है और इसकी मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुनवाई जो है ये 2019 की भर्ती की परीक्षा को लेकर है। और फ्रेंड, इसमें जो है जो याचिकाकर्ता है उन्होंने बताया है कि 2019 की भर्ती परीक्षा में 11 में से मात्र 8 जो है भूतपूर्व सैनिकों को जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया है, जबकि नियम है कि टोटल भर्ती जो आएगी उसका 3% जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा, यानी कि उनका सिलेक्शन 3% जो है होगा, जबकि ये 8 जो है काफी कम संख्या है। साथ में ही दोस्तों माननीय MP हाई कोर्ट ने जो है MPPSC और सामान्य प्रशासन विभाग से जो है 4 सप्ताह में जो है जवाब मांगा है, यानी कि इसमें दोस्तों 4 सप्ताह में जवाब मांगा है इसके लिए। और जो रोजगार पंजीयन वाला जो मामला है उसमें दोस्तों 8 मार्च तक MPPSC से जवाब मांगा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी थी।